हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। वन से लेके थ्री तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फोर से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार फार्मूलों का कुछ रिविजन्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस दो तरह की होती है। स्फेरिकल सरफेस एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होती है, एक कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ओके, तो कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस इस तरह से बनता है। देखो, दिस वन, ये आपका स्फेरिकल कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया। ओके, अब जब हम स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, इस स्फीयर को हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो उसका सेंटर यहाँ आता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से। इस स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम इसे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, कोई भी पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट, वह कहां पर रखा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाएगा। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रे कहां से निकलेगी? ऑब्जेक्ट से निकलेगी। जो भी स्फीयर होते हैं, स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है? उसके सेंटर से पास होता है। तो सपोज करो ये नॉर्मल बना लिया हमने, ऐसा ये नॉर्मल बन गया आपका। ओके, अब नॉर्मल इस सरफेस को कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पर कट कर रहा है। सपोज करो ये ए पॉइंट है, तो रे कहाँ जाएगी? ऑब्जेक्ट से पहले रे ओए पे आएगी। कहाँ पर आएगी रे? ओए पे आएगी। ऑब्जेक्ट से निकल के नॉर्मल सरफेस को जहाँ पर कट कर रहा है रे वहां पर मिलेगी। इस तरह से ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब रिफ्रैक्शन डिसाइड करेगा, देखो, कि ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर जाएगी या नॉर्मल से अभिबेंड होगी। ठीक ना? तो देखो, सपोज करो ये रियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो जो रे होगी वो कैसी हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। सपोज करो ये डेंसर मीडियम है, रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रही है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। सपोज करो यहाँ पर कोई सरफेस नहीं होता, तो रे कैसे जाती है? सीधी रे जाती है, इस तरह से जाना चाहिए उसे। अब सपोज करो इधर रियर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, तो रे इस तरह से मुड़ जाएगी इधर, तो बट नॉर्मल। दिस इज डेंस, सपोज करो दिस इज डेंस साइड, दिस इज रेयर, तो रे ऐसी निकल जाएगी। इमेज कहाँ पर बनेगी? फिर पीछे बनेगी। ओके, अंडरस्टूड। तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। पी से सी तक का डिस्टेंस, पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या क्या बोलते हैं उसे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, अब देखो साइन कन्वेंशन कैसा रखा जाता है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम पोल से जो भी मेजरमेंट करेंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा है? ऐसा जा रहा है इस तरफ। तो पी से सी जो आर होगा इसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पी से ओ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे दैट इज पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वह कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। ओके, अंडरस्टूड। और देखो, हम आपको पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे, एन टू वी माइनस एन वन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। अब हमें किसको एन टू लेना है?
किसको एन वन लेना है, तो देखो ओ से ए पॉइंट तक जिस मीडियम में रे जाएगी वो क्या होगा, एन वन होगा। और रिफ्रैक्टेड रे ए से आई तक जिस मीडियम में, देखो ए से आई तक रिफ्रैक्टेड रे जहां जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जाएगी उसको हम क्या लेंगे, एन टू लेंगे। ओके, ये तो कन्फर्म हो गया कि ओ से रे कहां पर जाएगी, नॉर्मल सरफेस को जहां पर कट करेगा वहां जाएगी। तो ये ओ ए जिस मीडियम में होगा वो एन वन होगा, क्या होगा, एन वन होगा। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में जाएगी वह एन वन होगा, ठीक है, एन वन कह लें। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में जाएगी, जिस मीडियम में होगी वह एन वन लेंगे, एन वन होगा। ओके, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जाएगी वह एन टू होगा, क्या होगा, वह एन टू होगा। अंडरस्टूड? तो फार्मूला यूज करेंगे हम, सिर्फ सिंगल फार्मूले का ही यूज करेंगे, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। यहां पर भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, पोल से इमेज का डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ, एन एम्प्टी स्फेरिकल ग्लास ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, एन दिया हुआ है 4/3, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास, वेयर विल इट अपीयर टू कम फ्रॉम टू एन ऑब्जर्वर विद इन द ग्लास। देखो ऐसा है कि कोई स्फेरिकल ग्लास है, ऐसा सपोज करो ये स्फेरिकल और कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। एम्प्टी का मतलब है खाली, का मतलब है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एयर। अब इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक ना, आपको सीधी ही खींचना है, सीधी लाइन ऐसी खींचेंगे। अब एक किस में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, इस प्लेस्ड इन वाटर, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ऐसा ये वाटर भरा हुआ है इस तरह से, दोनों साइड इस तरह से इसमें वाटर भरा हुआ है भाई, क्या भरा हुआ है, वाटर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम उसको, ये वाटर का एन कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। बीम कैसी आ रही है, पैदल बीम आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैदल आ रही है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पर हम ये नॉर्मल बना लें, ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ क्या बना लें, नॉर्मल बना लें ये, ठीक ना। अब देखो और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है इसका डायमीटर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा +50। अब देखो +50 क्यों होगा, क्योंकि देखो दो दोनों तरीके से देख सकते हो, पॉजिटिव यहाँ से हम ओरिजिन लेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पोल से डिस्टेंस को हमने मेजर किया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे तो ये 50 पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट दूसरा तरीका, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तब भी हम पॉजिटिव लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। अब रे इन्फिनिटी से आ रही, पैदल रे आ रही है, पैदल रे से मीनिंग है कि यहाँ पर यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा,
रे जो आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब हम अपने, अब देखो यहाँ पर हम एन वन और एन टू डिसाइड कर लें, तो रे कहाँ से आ रही हैं? वाटर से। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये क्या हो जाएगा, एन वन हो जाएगा और एन टू वन हो जाएगा, क्योंकि रे कहाँ पर जाएगी, एयर में जाएगी, तो एन टू वन हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन वन क्या है, 4/3 है और एन टू वन है। अब हम अपने फार्मूले का यूज करेंगे, अपना जो फार्मूला है देखो, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो एन टू की जगह हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, वी फाइंड आउट करना है हमें, माइनस लगेगा थोड़ी। ठीक ना, एन वन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, यू की जगह हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, इक्वल टू 4/3 माइनस वन अपॉन आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी माइनस जीरो, दिस इज 1/3 अपॉन 50। तो 1 अपॉन v इक्वल टू क्या होगा, 1/150 और v हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा, v 150 होगा। ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखो भाई, n2 को हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो यहाँ पर n2 की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 1 है। n2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n1 की जगह क्या रखेंगे, 4/3 रखेंगे, तो ये नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, अंडरस्टूड। देखो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था एन वन 4/3, एन वन की जगह हम 4/3 रखेंगे। एन टू की डिसाइड वन किया था, तो एन टू की जगह वन रखेंगे, तो वी माइनस 150 आया। माइनस 150 से मीनिंग क्या है, इस तरफ बनेंगी इमेज, कहाँ पर बनेंगी, इस तरफ। ओके, तो देखो यहाँ पर जो रे आ रही है वह कैसी आ रही है, डेंसर से रियर मीडियम में जा रही, तो नॉर्मल है, तो वैसे उसे ऐसी निकल जाना चाहिए था सीधी, लेकिन वो थोड़ी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी, ऐसी ऐसी भी नहीं होगी, इस तरह से बनेगी, ये गलत बनेगी, इस तरह से बनेगी ये। ठीक ना, इस तरह से नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी। जब हम इसको पीछे हटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या बनेगी, इमेज मिलेगी, यहाँ पर ये आई हो जाएगा आपका, तो ये यहाँ से पोल से 150 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लोकेट द इमेज। ओके, तो कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से। ओके, दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ओके, ये सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लें हम, उसे स्ट्रेट लाइन जाएगी थी ना, ये पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया। अब अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 40 सेंटीमीटर है। ओके, अंडरस्टूड। तो यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर यू हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड, यू कितना आ गया, माइनस 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, नेचुरल बात है, इस सर्कल को जो हम पूरा बनाएंगे इस तरह से ऐसा, उसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये सी है आपका, तो सी से पी तक की डिस्टेंस आर होती है, नेचुरल बात है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो पी से सी की ओर जब हम इसे मेजर करेंगे तो आर कैसा होगा, हम नेगेटिव लेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम नॉर्मल बना लें, नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ओके,
अब कोई भी रे आएगी तो वो कहाँ, यहाँ पर इंसिडेंट होगी सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, इस तरह से थी ना। इसको हम थोड़ा ऐसा ले लें इस तरह से, ये यहाँ पर क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, ठीक है। ओके एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बनती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, गिलास है। तो देखो एन वन रे कहाँ से जा रही है, ओ से ये जा रही है आपकी इस पॉइंट पर, ए ले लें इस पॉइंट को हम, ओ ए। तो एन वन कितना हो जाएगा, वन, यहाँ पर जाएगी तो एन टू कितना हो जाएगा, 1.5। हम देखो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, आप लोगों को पता है कि हमें कौन से फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। अब एन टू हमने कितना डिसाइड किया है, 1.5। ओके 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, दिस इज 3/2 अपॉन वी। ओके एन वन वन डिसाइड किया गया है, यू माइनस 40 है, एन टू 3/2 माइनस वन, आर कितना है -20। इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, दिस इज 3/2 भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/40, दिस इज 1/2 बचेगा, ये 3/2 माइनस वन तो 1/2, तो 1/2 इंटू -20, ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो 3/2 भी, दिस इज -1/40, और 1/40 भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1/40 हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 40 आएगा, दिस इज -1 -1। ओके तो 3/2 भी इक्वल टू ये -1/20 हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो वी की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके अंडरस्टूड। माइनस का मीनिंग है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके तो इमेज कैसी बनेगी, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पर बनेगी, सेम साइड पर बनेगी जिस साइड पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके अंडरस्टूड। अब देखो इसे हम समझते हैं इमेज कैसे बनेगी, ये आपका नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, रेयर से, वैसे रे को ये रे है जो सीधी इस तरह से निकल जाती है, रे इस तरह से ऐसे, अब ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हम रियर मीडियम से कहाँ पर जा रहे हैं, डेंसर। अब इसको जब हम पीछे हटाएंगे ऐसे तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेंगी ये आई। ओके अंडरस्टूड। जो कि यहाँ से पोल से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। माइनस साइन आपको पता ही है क्या बता रहा है, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज उसी तरफ बन रही है। ओके अंडरस्टूड क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज -2.0 सेंटीमीटर बिलो द कॉनकेव मेनिस्कस ऑफ वाटर, एन इक्वल टू 4/3 है, किसका, वाटर का, मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, लोकेट द इमेज, इमेज को हमें क्या करना है, लोकेट करना। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कौन के मेनिस्कस, किसके, वाटर के, तो यहाँ पर हम बनाए लेते हैं एक, ठीक ना, सपोज करो यहाँ पर लेते हैं वाटर भरा हुआ है इस तरह से, तो आपको पता है इसका मेनिस्कस किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है मेनिस्कस। ओके वाटर का मेनिस्कस कॉनकेव शेप का होता है, ठीक ना, ये पानी वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक ना, दिस वन इज वाटर इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सेस ले लें हम उसकी, ठीक ना,
अब यहाँ से कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर बिलो, सपोज करो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ये डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ओके ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये ए पर कट कर रहा है, तो हम यहाँ पर ओ ए को क्या लिख लें 2 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये आपका 4/3 है, बाहर एयर है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कोई रे निकलेगी, भाई सपोज करो इसका सेंटर ले ले हम, पहले तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लें, ठीक ना, ये सपोज करो, अब देखो स्फीयर जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ये अभी नॉर्मल बना लें हम, क्या बना लें, ऐसा नॉर्मल बना लिया हमने, ओके। तो जो रे जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, ठीक ना, यहाँ पर नॉर्मल सरफेस को कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगी, ये यहाँ पर इंसिडेंस होगी, ओके अंडरस्टूड। अच्छा जी आपका पोल होगा पी, ये पोल होगा, क्या होगा पोल, इसको हम ए ले लें, ये ए पर मिल रही है ओ ए, ठीक ना, तो इसको ओ पी कर लें हम, ओ पी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ओके ओ पी इज 2 सेंटीमीटर, ओके अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर एन वन क्या होगा, एन वन होगा 4/3, क्या होगा एन वन 4/3 लेंगे हम, ओके अंडरस्टूड, क्योंकि रे ओ से ए तक रे किस मीडियम में जा रही है, इस वाली मीडियम में जा रही है, तो इसे हम एन वन लेंगे, और तो यहाँ पर हम लिख लें, देखो भाई एन वन क्या होगा 4/3 होगा, एन टू 1 होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया हुआ है 0.5 आर दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। इसके साइन को हम डिसाइड किए लेते हैं, साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसी डायरेक्शन में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज करो ये है आप उसका सी, तो इस पी से सी की ओर मेजर करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, आर कैसा होगा इसका पॉजिटिव होगा, यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। हम फार्मूले का यूज करके भी को फाइंड आउट करेंगे, फार्मूले का यूज करते हैं हम, अपना जो फार्मूला है वो पता है आपको, एन टू भी माइनस एन वन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, ये आपका फार्मूला है, ठीक ना, एन टू की जगह हम क्या रखेंगे 1, भी हमें फाइंड आउट करना है, एन वन की जगह हम क्या रखेंगे 4/3, यू की जगह हम क्या रखेंगे -2, दिस इज 4/ एन वन की जगह हम क्या लेंगे 1 लेंगे, दिस इज एन टू की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, एन वन की जगह क्या लेंगे 4/3 लेंगे। देखो तो यहाँ पर एन वन को हमने क्या माना है 4/3, तो 4/3 ले लिया, एन टू को क्या सपोज किया है 1, आर को 0.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें भी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी हमें भी की वैल्यू मिलेगी, हम इसे क्या करते हैं देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ओके तो दिस इज 1/V माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दिस इज +4/3 × 2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो -1/3 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू -1/3 × 0.5, ठीक है क्लियर। अब देखो अब 1/V क्या होगा -1/ अब देखो 0 1/0 दिस इज देखो ये 1/V हो गया, अब ये -1/3 × 0.5 ही रहने दें, से इसको माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2/3 होगा, ओके अंडरस्टूड। इसको हम क्या किए लेते हैं सिंप्लीफाई किए लेते हैं, तो 1/V जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/V इक्वल टू हो जाएगा -4/3, ओके तो V इक्वल टू -3/4 इक्वल टू -0.75 सेंटीमीटर। भी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम पहले समझ चुके हैं कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, यहाँ कहीं पर बनेगी इमेज, ठीक ना,
तो उसको हम समझ लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट 0.75 सेंटीमीटर बिलो द मेनिस्कस। क्या लिखेंगे हम, इमेज इज फॉर्म्ड एट 0.75, तो हम लिखेंगे 0.75 सेंटीमीटर बिलो मेनिस्कस के नीचे बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो डायग्राम वैसे बनाना जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में इमेज का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, फिर भी हम आपको समझाते हैं। अब देखो रे कैसी जा रही है भाई, रे एयर में जा रही है, अब तुझे नौ अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो भी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी, ठीक ना, कैसी हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कहीं उसकी इमेज आपकी बन जाएगी। ओके, वैसे ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसी ये जा रही है, ये सीधी जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन में ऐसी रे। ओके, अब इसे हमें नॉर्मल की तरफ क्या करना है, बेंड करना है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ी इस तरह से ऐसी निकल जाएगी रे, इस तरह से। अब जब हम इसको पीछे हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ये आई है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0.75 सेंटीमीटर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ सेवेंथ, अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल बबल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। कोई ग्लास का स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, उसमें कोई स्मॉल बबल 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर फ्रॉम इट सेंटर। द बबल इज व्यूड अलोंग अ डायमीटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द साइड ऑन विच इट लाइज, जिस तरफ रखा हुआ है उस तरफ से देखा जा रहा है। हाउ फॉर फ्रॉम द सरफेस विल इट अपीयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देखो इस तरह से है, ये सेवेंथ है आपका, ठीक है, सेवेंथ, ये कोई स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, इस तरह से ये कोई स्फीयर को बना लिया जाए। ओके, दिस इज द स्फीयर। ओके, इसको हम डायमीटर या प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, क्या ले लें, डायमीटर या फिर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया हमने इसको। ओके, क्लियर, दिस इज द डायमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सब कुछ करो, ये सेंटर है, ये पोल हो जाएगा, तो पीसी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा पीसी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, सब कुछ करो, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जी, ओसी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ओसी। तो पी ओ कितना हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा 5 - 2, यहाँ से पी सी, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 2 है, तो पी ओ कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 3 सेंटीमीटर, यू हो जाएगा, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, यू -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये यहाँ से निकलेगा, पहले हम नॉर्मल बना लें, क्या बना लें, नॉर्मल, जो नॉर्मल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक ए नॉर्मल बन जाएगा आपका, दिस इज द नॉर्मल। ओके, अब जो ये निकलेगी ऑब्जेक्ट से, ये निकलती है आपको पता है, ये कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से, तो वो यहाँ पर कट करेगी सबसे पहले, तो ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से ये निकल के कहाँ पर कट करेगी, जहाँ पर नॉर्मल सरफेस को कट कर रहा है, ये निकलेगी रे ऐसे, ठीक ना, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, इसका एन दिया हुआ है 1.5 ग्लास का, बाहर एयर है, इसका एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नेचुरल बात है। देखो रे ओ से सपोज करो, इस पॉइंट को हम ए ले लें, तो रे
ओ से ए की ओर जा रही है तो ए एन वन होगा, क्या होगा एन वन, दिस इज एन वन एंड दिस इज एन टू होगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन किस मीडियम में जा रही है, एयर में जा रही है, तो एन टू क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एन टू वन हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम फार्मूले का यूज करते हैं भाई, फार्मूला क्या है अपना, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, ये आपका क्या है फार्मूला है। इस फार्मूले हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो एन टू की जगह हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे अपॉन वी, एन वन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस थ्री लिखेंगे, इक्वल टू एन टू, एन टू कितना है 1 माइनस 1.5 अपॉन आर, कितना है आर है, देखो आर को हम डिसाइड किए लेते हैं भाई, आर वैसे 5 सेंटीमीटर है, अब साइन हमें डिसाइड करना है, ठीक ना, तो इसका साइन देखो पी से सी रे के हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, कहाँ पर बढ़ रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आर उसका नेगेटिव होगा। ओके अंडरस्टूड, क्योंकि हम यहाँ पर पी से सी की ओर बढ़ेंगे और रे इस तरह से बढ़ रही है, तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ही माइनस 5 रख लेंगे हम। ओके अंडरस्टूड, अब देखो 1 अपॉन वी माइनस, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 1.5 अपॉन 3 है तो ये 1/2 बचेगा, इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन माइनस 5, ठीक है क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। ओके अब 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 इंटू 5 माइनस 1/2, अब इसका एलसीएम ले लें तो 10 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4/5, ठीक ना, माइनस 4/10 होगा, सॉरी दिस इज माइनस 2/5। ओके तो 1/v की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 1/v की, तो v क्या हो जाएगा 5/2 माइनस इक्वल टू माइनस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। तो इमेज कहाँ पर बनेगी भाई, वी भी नेगेटिव आ रहा है तो पी से 2.5 की डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं पर बनेगी। ओके अब देखो ऐसे समझने से हम ये रे है, ये जो रे है वह डेंसर से कहाँ पर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली उसको कैसे जाना चाहिए, इस रे को ऐसे जाना चाहिए, कहाँ पर देखो, यदि सपोज करो यहाँ पर ये सरफेस नहीं होता तो ये रे कैसी जाती, इस तरह से सीधी निकल जाती, अब ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, थोड़ी कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी अवे हो जाएगी नॉर्मल से, ठीक ना, इस तरह से, ऐसे इस तरह से नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। अब हम जब इसको पीछे हटाएंगे तो हमें जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं पर बनती हुई नज़र आएगी, देखो इसको जब हम पीछे हटाएंगे इस रे को तो यहाँ पर आपका आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा यहाँ पर। ओके अंडरस्टूड, जो कि आपका पी से कितना होगा, पी आई की जो डिस्टेंस होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। ओके नाउ एट, एन एयर बबल इज सीन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ ग्लास एन 1.5
ऑफ 4.0 सेंटीमीटर डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑन सीइंग अलोंग द डायमीटर। उसे देखा गया तो एयर बबल 1.0 सेंटीमीटर पर देखा, मीन से इमेज दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, इमेज। डिटरमाइन द रियल पोजिशन ऑफ द बबल इन साइड द स्फीयर, हमें यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एक स्फीयर बना लें, एक रफली स्फीयर, दिस इज द स्फीयर, ओके अंडरस्टूड। एक रफली स्फीयर को बना लिया गया, अब हम डायमीटर बना लें उसका, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा, जो कि डायमीटर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से डायमीटर बना लिया हमने, ओके। यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल बना लें, क्या बना लें, ऐसा ही नॉर्मल बना लिया गया, ये पॉइंट ए हो जाएगा, इसे एन ले लें हम, ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम देखो इसका एन कितना दिया हुआ है, इसका एन दिया हुआ है 1.5, इसका एन कितना दिया हुआ है, ये एयर है तो 1 होगा, ओके। एक पी सी, पी सी कितना दिया हुआ है हमें, 4.0/2 इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी सी कितना दिया हुआ है, 2.0 सेंटीमीटर, ओके। ए आई है तो भी इक्वल टू होगा -1 सेंटीमीटर, पी सी मीन्स रेडियस है तो रेडियस होगा -2.0 सेंटीमीटर। नेचुरल बात है ऑब्जेक्ट कहीं कहीं रखा हुआ है स्फीयर के अंदर, तो इसको हमें n1 लेना पड़ेगा और इसको n2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ले जाएगी तो इस मीडियम में जा रही है तो n1 हो जाएगा। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखो फार्मूला हम यूज करेंगे n2/v - n1/u = n2 - n1/r। इस फार्मूले का हमने यूज किया, n2 की जगह हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। b हमें क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। n1 कितना है, 1.5 है। u हमें फाइंड आउट करना है। अब n2 क्या लेंगे, 1। n1 1.5, r कितना दिया हुआ है हमें, -2 दिया हुआ है। बस इसको हम सॉल्व करके u की वैल्यू को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये माइनस हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो देखो ये -3/2 / u हो गया। इस -1 को हम इस साइड ले जा रहे हैं, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो -0.5/-2, इस -1 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -3/2 u = ये कैंसिल हो गया, ये 1/4 + 1, ये 4, 1 + 4, दिस इज -3/2 u। तो -3/2 u = 5/4, कितना हो गया, 5/4 हो गया। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12/10, तो u = हो जाएगा -1.2। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा यहाँ पर, ओके। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1.2 फ्रॉम अ सरफेस, सरफेस से 1.2 पर, फ्रॉम सरफेस, ठीक है अंडरस्टूड। आप डायग्राम बनाना चाहें तो उसे दे जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। वैसे एक्चुअली यहाँ पर कोई मीडियम ना होता तो ये आपकी इस तरह से सीधी निकल जाती। अब जी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ा नॉर्मल से, क्या हो जाएगा, अभी ऐसे जाएगी रे। अब जब हम इसे पीछे हटाएंगे तो आई पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, ओके अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ 9, वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ ग्लास n = 1.5 शोन इन द फिगर इज गिवन हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एंड इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फाइंड द आउट द डिस्टेंस। भी देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका कहाँ पर 12 सेंटीमीटर पर ओके और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2.0 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। रे कहाँ पर जाएगी ऑब्जेक्ट से नॉर्मल की साइड जाएगी ठीक ना। डायग्राम बनाने की इसमें हम ज़रूरत नहीं समझते क्योंकि डायग्राम पहले से बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर U क्या हो जाएगा, U नेगेटिव होगा, कितना होगा U, उससे नंबर 9 है, U हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। कितना होगा U, -12 सेंटीमीटर होगा। R, R कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा R भी नेगेटिव में आएगा -2 सेंटीमीटर ओके। अब रे कहाँ से निकल रही है भाई, रे ग्लास से निकल रही है, तो यहाँ पर N1 कितना होगा 1.5 होगा और N2 कितना होगा 1 होगा। N2 कितना होगा 1 होगा, N1 1.5 होगा, U -12 होगा और V -2 होगा। हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके अपने आंसर को बड़े आसानी से N2 अपॉन V -N1 अपॉन U इक्वल टू N2 -N1 अपॉन R। N2 कितना दिया हुआ है 1.5, भी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो फिर गलती हो रही है, N2 1 दिया हुआ है ठीक ना, इसको हम 1 लिखें। यहाँ पर N2 कितना दिया हुआ है 1 अपॉन V, N1 1.5, U कितना दिया हुआ है -12 दिया हुआ है, फिर N2 1 -1.5, R कितना दिया हुआ है -2 दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करके V की वैल्यू को फाइंड आउट किए लेते हैं, ये 1 अपॉन V ठीक ना, माइनस ये 1.5 मीन्स 3/2, तो 3 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है, इक्वल टू -0.5 अपॉन -2, तो 1 अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 -3 अपॉन 24। एलसीएम लिया तो 24 आया तो 6 हो गया ये -3, तो दिस इज 3/24 क्या आ जाएगा 1/V आ जाएगा। तो V की जो वैल्यू होगी वो होगी 24/3 इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर। किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी ठीक ना, 8.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने उसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और पॉजिटिव में आ रही है भी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी बाहर बनेगी ओके, ये बन रही है इमेज आई पर। अंडरस्टूड, क्लियर।